हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। तो भाई एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात जो होती है ना, तो वो आज भाई मैं फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि भाई इस लाइन में आएंगे भी आएंगे तो यहाँ तक जा पाएंगे कि आज मतलब अगर हम वर्ल्ड की सेफेस्ट कार्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जहाँ नाम आता है वॉल्वो का, तो वॉल्वो के अंदर फिलहाल हम बैठे हुए हैं। और कभी सोचा भी नहीं था कि भाई इस गाड़ी को रिव्यू करने का कभी मौका मिलेगा भी, तो आज फाइनली बैठे हुए हैं। तो ये इसका T4R डायनेमिक है। के एक शोरूम कीमत की बात करें तो 44.50 लाख रुपीस एक शोरूम में आपको डेली पड़ती है। और ये आपको क्या क्या चीजें ऑफर करती है जहां पे ये अलग स्टैंड आउट करती है, मतलब मार्केट में आने वाले किसी भी दूसरे प्रोडक्ट से अपने आप को अलग रिप्रेजेंट करती है, वो क्या है इसके अंदर, ऐसी कौन सी वाइब है जो उस गाड़ी को स्पेशल बनाती है। सिर्फ सेफ्टी ही नहीं, सेफ तो है ही खैर, पर दूसरी जो वाइब होती है ना गाड़ी की, जिसे मतलब बस फील ही किया जा सकता है, वीडियो में नहीं जस्टिस होती वो चीज, तो वो है इस गाड़ी के अंदर। मतलब लिटरली एक एक चीज को देख के लगता है कि भाई एक लग्जरी प्रोडक्ट है ये। तो अब ये क्या क्या ऑफर करता है, उन सभी चीजों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और फीचर लोडेड कार थोड़ी बहुत चीजें उसे रह जाए तो उनके लिए सॉरी भाई। तो अभी स्टार्ट करते हैं गाड़ी की चाबी से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और एंड तक देखना। चाबी से स्टार्ट करें तो कुछ इस तरीके का मिलता है अपना की फॉब, जहाँ पे पीछे कंपनी का लोगो कुछ इस तरीके से मिलेगा। और भाई कौन नहीं चाहता ये कंपनी का लोगो उसके पास हो, मतलब इस गाड़ी की चाबी बंदे के पास हो भाई बहुत लग्जरी फील देती है। कोई भी चीज हो लिटरली, केबिन तो है ही लाजवाब, दूसरा चाबी भी नेक्स्ट लेवल ही है। यहाँ पे वॉल्वो लिखा हुआ मिलता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपनी गाड़ी के, आपको डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए, बूट को अनलॉक करने के लिए। कीलेस एंट्री आपको ऑफर करती है, सिंपल आप इसे रख सकते हो साइड में। नीचे पैडल है, इसे करके आप एक बार ऐसे प्रेस कर देते हो तो ये ऑन हो जाती है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और ये यहाँ पे ऑन हो चुकी है अपनी डिस्प्ले, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे वॉल्वो लिखा हुआ आ जाता है। ये अभी ऑन होगी धीरे धीरे, तब तक इसके बारे में बातचीत करते हैं। एक सेकंड फ्लैश ऑफ कर लेते हैं। तो ये देखो पूरा यहाँ पे डिजिटल कॉकपिट आपको देखने के लिए मिलता है। 200 की टॉप स्पीड यहाँ पे मिलती है, 8000 तक की RPM है, और ये PRND यहाँ पे आता रहता है कि कौन से गियर के ऊपर है। और फिलहाल ये सीट जो रेड कलर की ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे और मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है। तो ये चीजें हैं। तो अब एक डिजिटल पैनल आपको मिल जाता है, तो इसमें आपको सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे वर्क कर रही हैं। तो एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं, ये देखो। ओहो, इसको भी हटाते हैं एक सेकंड। तो ये देखो मतलब इतना सीमलेस सा है कि आपको मतलब ये कहाँ से किससे मर्ज हो रहा है ये तक नहीं पता चलेगा। पूरा सिंगल पैनल आपको ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह है, सीट बेल्ट रिमाइंडर देखो यहाँ पे दिखता रहेगा। अभी पार्किंग ब्रेक एंगेज है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल रही है आपको, कितना फ्यूल है, रेंज क्या बाकी है, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। नेविगेशन यहाँ पे दिख जाती है आपको। तो ये चीजें हैं। और यहाँ पे ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, ये थोड़ा सा ऐसा अलग शेप में, मतलब मोस्टली आपने देखा होगा थोड़ा ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। और भाई ये इतना फीचर लोडेड है, इतना फीचर लोडेड है, मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको सेट रिसेट करनी है ना गाड़ी की, AC हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन कार एयर क्वालिटी, मतलब कि एयर प्योरीफायर इस गाड़ी के अंदर है, जो कि चेकआउट आपको करके बताता रहता है टाइमली कि भाई गाड़ी के अंदर जो एयर है वो कितनी क्लीन है। तो ये है कनेक्ट योर डिवाइस ब्लूटूथ और कनेक्ट योर फोन वगैरह जितनी भी चीजें हैं, नेविगेशन वगैरह, और इतना स्मूथ है, मतलब ये लगा लो फोन एक तरीके से। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, अगर आप चाहते हो इसकी डेडिकेटेड वीडियो तो वह मैं बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि वीडियो की लेंथ में ज्यादा नहीं रखना चाहता भाई, क्योंकि बंदे देखते नहीं ना ज्यादा लंबी वीडियो को, फिर बोर हो जाते हैं। तो अब इससे नीचे की साइड आते हैं, यहाँ पर अपने कंट्रोल्स मिलते हैं आपको कुछ मीडिया के इस तरह के, यहाँ पे डिफॉगर के बटन जाती है, हैजल लाइट की बटन है, बाकी एसी वगैरह जो आप कंट्रोल करोगे कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, बाकी आप यहाँ से भी नहीं कर सकते हो। तो फील जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है भाई, मतलब छोटी छोटी चीजों की। ये देखो यहाँ से आवाज कम ज्यादा कर सकते हो आप, और आवाज सुनो। तो मतलब बंदा क्यों इन्वेस्ट करता है, इन छोटी छोटी चीजों के लिए इन्वेस्ट करता है कि हाँ भाई एक एक्सपीरियंस जो है ना वो इनहेंस हो जाए बंदे का। तो अभी एक सेकंड से बंद कर लेते हैं ताकि ज्यादा फ्यूल ना हो जाए गाड़ी का। तो अब भी ऊपर की साइड से यहाँ से दिखाना स्टार्ट करें तो फ्लैश ऑन कर लेता हूँ एक सेकंड फिर से। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना वैनिटी मिरर भी आपको मिल जाता है,
और लाइट भी मिलती है इसके अंदर, माइक वगैरह की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, और ये मिलती हैं भाई टच में मिलती हैं, न्यू लाइट है सिंपल, ये देखो कुछ इस तरीके से आपने जस्ट टच करना है ये, मतलब ऐसे ऑन हो जाती हैं। और ये सनरूफ के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं भाई वन एंड ओनली, आपने इसके अंदर ही देखोगे, मतलब इसके अंदर बटन नहीं है कुछ भी, सिंपल आपको ऐसे स्लाइड करना है और ये खुल जाती है। अभी तो मैंने बंद कर दिया इसलिए नहीं खुल रही है, बस सिंपल ऐसे करनी है। और ये पूरी मून रूफ मिलती है, और यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट है, इधर की साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाती है, देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एक ऑटो डिमिंग IRVM है। सो जो चीज़ें मैं बता रहा था आपको कि इसके अंदर से आप चीज़ें मतलब सेट कर सकते हो अपने, तो इसके अंदर ड्राइव मोड्स वगैरह भी आप सेट कर सकते हो। इवन यहाँ पे आपको स्टेयरिंग का फीडबैक कैसा चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मतलब इतनी ऑसम फीचर्स है इसके अंदर, मतलब वर्ल्ड की सेफेस्ट कार में आती हैं यार वॉल्वो की गाड़ियाँ, तो छोटी छोटी चीज़ों पर कंपनी क्यों ना ध्यान दे। तो भाई वो चीज़ें हैं इसके अंदर, और ये मतलब इतनी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है ना, ये देखो इसके अंदर क्या चीज़ है जो नहीं मिलती है आपको, कुछ भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। साउंड वगैरह है, कनेक्टिविटी कंट्रोल्स, और अपने ड्राइविंग पैटर्न को भी यहाँ से सेट कर सकते हो आप कि हाँ भाई किस तरह से मतलब ये गाड़ी चलती है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें सेट हो जाती हैं यहाँ पे। और ये पूरी सीमलेस की डिस्प्ले है, जब बंद होती है तो काफ़ी एमएस तरीके से यहाँ पे वॉल्वो लिखा आता है, फिर ये बंद हो जाती है बहुत स्वीटली। तो ये है जी यहाँ पे। और अभी डैशबोर्ड की बात करें तो भाई ये देखो पर पूरा ब्लैक केबिन आपको मिलता है यहाँ पे, ये देखो क्या मस्त बटन फिनिश मिलती है, काफी ज्यादा शानदार। और ये ऊपर से पूरा ब्लैक देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, 7 एयरबैग आते हैं इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, और इधर की साइड मिलता है अपना ग्लो बॉक्स, काफी सॉफ्ट तरीके से खुलता है, ये भी आपको इमिटेड मिलता है। और ये कुछ इस तरह के मिलते हैं एसी वेंट्स, पूरी एल्युमिनियम फील हुई है, मतलब ये एल्युमिनियम फील नहीं है, लिटरली पूरा एल्युमिनियम ही है फ्रेम जितना आप देख रहे हो, और यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो और इसका फीडबैक भी आप सुन सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको कहीं और उंगलीबाजी करनी पड़ेगी, सिंपल जो चीज़ यहाँ पे है उसको आप वहीं से कंट्रोल कर सकते हो, सिंपल एकदम। तो ये चीज़ें हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है यहाँ पे अपने, एक सेकंड ये देखो, ये कुछ इस तरीके के मिलते हैं अपने हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल। इधर की साइड वाइपर अपने मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर आते हैं इसके अंदर। और अभी स्टेयरिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके का मिलता है, एक मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील, और भाई पूरा लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अपना क्रूज कंट्रोल है, इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से सेट रीसेट कर सकते हो, यहाँ की जो डिस्प्ले चलती है सामने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप सेट रीसेट कर सकते हो, वॉइस कमांड मिल जाती है आपको। और इसकी एडजस्टमेंट की बात अगर हम करें तो ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, भाई क्या स्मूथ है यार, देखना बहुत स्मूथ एकदम। तो ये चीजें हैं, बंदा इन चीजों के लिए इन्वेस्ट करता है भाई, बाकी देखो है तो ये भी फाइव सीटर अपनी 5 लाख से भी स्टार्ट हो जाती है, और ये 50 लाख की गाड़ी है, तो क्या चीज है जो इसको 50 लाख का बनाती है, वो यही चीजें हैं छोटी छोटी जो कि मतलब दूसरी कंपनियां मैच ही नहीं कर सकती हैं, उनके लिए पे करना पड़ता है भाई, और ये चीजें वहां पे स्टैंड करती हैं, और ये मतलब है कोई चीज, ये बता देती हैं कि हम हैं मार्केट के अंदर। तो ये है जी। और यहाँ पे नीचे एक साइड आपको मिल जाता है 12 का चार्जिंग सॉकेट, कुछ इस तरीके का, 2 Type-C पोर्ट्स मिलते हैं, जो कि मतलब अब आप कह सकते हो कि हाँ आने वाला टाइम में ये Type-C पोर्ट्स ही चलने वाले हैं, USB तो अब धीरे धीरे गायब होती जा रही है। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, इसके नीचे भी आपको इल्यूमिनेशन मिलती है, मतलब ये बहुत एम्बियंस तरीके से ग्लो करता रहता है। और इधर की साइड आपको मिल जाती है ये एस्ट्रे टाइप, आप कह सकते हो मतलब ये सिगरेट लाइटर वगैरह है ना, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, तो ये अपना एस्ट्रे का काम कर देगी। 2 Cup holders मिलते हैं, और ये देखो आई नेक्स्ट लेवल गियर नो, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है भाई, देखना भाई क्या नेक्स्ट लेवल लग रहा है। यहाँ पे P4 पार्किंग, सिंपल किसी भी मोड के अंदर तो बटन दबा के आप इसको पार्किंग पे लगा सकते हो। RND बटन मिल जाती है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आते हैं यहाँ पे। और इधर की साइड जो आर्मरेस्ट है ये आपको काफी डीप मिल जाता है, और इधर की साइड भी थोड़ी स्पेस मिल जाती है। तो ये चीजें हैं देखो, कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से, और ये स्लाइड वगैरह नहीं होता, बट पूरा लेदर है, तो मतलब इन चीजों पर तुम बात ही नहीं कर सकते भाई, लेदर है या नहीं है, बहुत नेक्स्ट लेवल फील है। अब ये सीट कर लेता हूँ मैं मेरी हेड के हिसाब से एडजस्ट, और फिर चलते हैं पीछे, उससे पहले डोर पैनल दिखा देता हूँ। सो अभी डोर पैनल्स के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पे आप देखो हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है इसको, 14 स्पीकर्स आते हैं गाड़ी के अंदर, तो अब आप आउटपुट लगा लो। और हार्मन कार्डन क्या नाम है, क्या ब्रांड है, उसको मतलब ऐसे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा एल्युमिनियम में मिलता है अपना ये डोर लिवर, मेमोरी सीट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, पावर विंडोज हैं, आप जब भी गाड़ी ऑन करोगे चारों के अंदर अपना इल्युमिनेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे चाइल्ड लॉक मिल जाता है, अपने ORMs को यहीं से एडजस्ट कर सकते हो, उसके लॉक मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, और यहाँ पे लंबर सपोर्ट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसका प्लेट्स मिलती हैं जिनके ऊपर वॉल्वो लिखा हुआ मिलेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलती हैं, मतलब कौन से टायर के अंदर कितनी हवा वगैरह होनी चाहिए। और ये है जी केबिन, बिल्कुल डार्क थीम एकदम, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। अभी चलते हैं पीछे की साइड और पीछे की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। भाई पहली बात तो दरवाजे इतने हैवी हैं ना, इतने हैवी हैं, फील होते हैं भाई कुछ है। और अभी अंदर की स्पेस से पहले ये देख लो पीछे का डोर पैनल, ये देखो
बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ मिलती है, एल्युमिनियम फिनिश में मिलता है अपने, डोर लिवर, पावर विंडो कंट्रोल है, और ये पूरा मतलब फैब्रिक दिया हुआ अंदर की साइड आप देख सकते हो, मतलब ताकि रैटलिंग नॉइज़ गाड़ी के अंदर क्रिएट ना हो। ये पूरा लेदर ही लेदर देखने को मिलता है यहाँ पे, ये यहाँ तक ये पूरा लेदर ही लेदर है, ये जितना भी आप देख रहे हो। स्पीकर की प्लेसमेंट है और यहाँ पे एक छोटी सी बोतल आ जाएगी, कोई नहीं। और थोड़ी स्पेस ये देखो यहाँ पे भी देखने के लिए मिलती है भाई, स्मार्ट ये। और अभी चलते हैं पीछे की साइड, और भाई पीछे की बात करें असली चीज़ स्टार्ट होती है यहाँ से, तो सिंपली लाइट्स वगैरह ऑन कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलते हैं, मतलब ये भी ऐसे ऑन हो जाते हैं सिंपल वन टच से, हाथ लगा हुए ऑन हो जाएंगे। और 5'9" मेरी हाइट है, अब इसके अंदर मैं कंप्लेन नहीं कर सकता भाई कि ये चीज़ दिक्कत दे रही है, वो चीज़ दिक्कत दे रही है। ये देखो स्पेस कितनी मिलती है मेरे को, ये है पीछे अपने मैगजीन होल्डर्स मिल जाते हैं दोनों सीट्स पे, इधर की साइड भी, इधर की साइड भी। रियर एसी वेंट्स मिलते हैं जिन्हें आप ऐसे ही यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, सिंपल जैसा आगे मिलता है वैसा पीछे भी है। यहाँ पर मिलता है दो टाइप सी पोर्ट्स कुछ इस तरीके के, ये आप देख सकते हो, और ये हैं जी अपने एसी वेंट्स कुछ इस तरीके के। और अब भी ये देखो ऊपर का जो हेडलाइनर, ये अपना बेज देखने के लिए मिलता है आपको, और जितना नीचे का केबिन है वो सब कुछ ब्लैक मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, मतलब केबिन को बहुत बढ़िया सा स्टांस दे रही है, एक तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, वीडियो में कैसे बताऊँगा आपको। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एडजस्टेड हेडरेस्ट हैं, सॉरी 5 एडजस्टेड हेडरेस्ट हैं, ये बिल्कुल सीट्स के साथ मर्ज हो जाता, पता भी नहीं चलता। और ये एक तरीके से सही भी है, क्योंकि ऐसे निकला रहता है ना तो सामने अपने IRVM में दिक्कत होती है पीछे देखने के लिए ना, तो आप इसे सिंपल बंद कर सकते हो ताकि पीछे का व्यू जो है वो विजिबल रहे। यहाँ पे अपना मिलता है ये आर्मरेस्ट, दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और काफ़ी बड़ा आर्मरेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको। और पीछे की साइड भी आप देख सकते हो कहाँ पर स्पीकर्स की प्लेसमेंट की हुई है, इधर की साइड भी है और इधर की साइड भी है। और ये देखो मेरे पास भाई स्पेस क्या नेक्स्ट लेवल बनती है, बहुत ज़्यादा गजब की है। और तो कुछ नहीं है भाई, काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइब बहुत नेक्स्ट लेवल है यार, कैसे एक्सप्लेन करूँ वो वीडियोस में। तो अभी चलते हैं बूट की तरफ, बूट के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि बूट कैपेसिटी कितनी मिलती है, और फिर गाड़ी के बाहर की प्रोफाइल बातचीत करेंगे, एंड लास्ट में अपना इंजन कंपार्टमेंट। सो अभी गाड़ी के बूट के बारे में बातचीत करें, और दूसरी इसकी स्पीड देखना, मतलब कि इतना जल्दी से खुलता है, इतनी जल्दी से बंद हो जाता है कि आपको पता तक नहीं चलेगी। सिंपल इसके नीचे बटन मिलती है अपना मैग्नेटिक, एक सिंपल टच किया और एक खुल गया यहाँ पे, और ऐसे यहाँ से आप इसे बंद भी कर सकते हो वन टच से। यहाँ पे पार्सल ट्रे मिलती है काफ़ी बड़ी सी, और ये आपको मिल जाती है स्पेस, और इसके अंदर आपको मिलती है 460 लीटर्स की बूट कैपेसिटी, और इसके नीचे है जी स्पेस ही स्पेस। तो ये दो फ्लोरिंग्स आपको मिलती हैं, पहली मैट की, दूसरी ये है, और इसके नीचे मिलता है स्पेयर व्हील और टूल किट वगैरह सारी चीज़ें यहीं पर हैं। और ये अपना स्पेस सेवर टायर आपको मिलता है, और इसे कर देते हैं एक सेकेंड बंद सिंपल, और इसे भी कर देते हैं बंद। यहाँ पर अपनी फर्स्ट एड किट मिलती है, और यहाँ पर बूट लैम्प है जो कि वाइट ही मिलेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा शानदार। एक 12 का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे भी मिल जाता है पीछे बूट में, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और ये है, और यहाँ से अपना बूट आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब अगर आप अंदर बैठे हो तो अंदर से एक्सेस कर लोगे, 60/40 का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये है जी पार्सल ट्रे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। तो ये चीज़ें हैं, और अभी एक सेकेंड से बंद कर लेता हूँ, इसकी स्पीड देखना आप। एक बंद किया, मुश्किल से 3 या 4 सेकेंड लगते हैं, और ये बंद। अभी करते हैं गाड़ी की बाहर की प्रोफाइल बातचीत। सो अभी बात करें इस गाड़ी की बाहर की प्रोफाइल की, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख लो भाई, मतलब जब खड़ी भी होती है तो बिल्कुल अलग से नज़र जाती है इसके ऊपर, मतलब ये काइंड ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट आप इसे कह सकते हो, मतलब ये गाड़ी रुके और बंदा देखना ऐसा हो नहीं सकता। और फ्रंट से यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पर पहली बार जो चीज़ें देख रहे हो, ये जो हैमर टाइप DRLs आप देख रहे हो, ये इंडिकेटर का भी वर्क करती हैं, और अभी जब ऑन कर दोगे तो DRL अपना ऑन रहती है, थोड़ी देर बंद भी हो जाएंगी। LED बेस मिलता है अपने हेड लैम्प्स, यहाँ पे फॉग लैम्प्स मिलते हैं, फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स आते हैं इस गाड़ी को, काफ़ी बड़ा सा Volvo का लोगो मिलता है, और ये काफ़ी बड़ी सी मिलती है ग्रिल, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है। और ये देखो भाई क्या नेक्स्ट लेवल लगती है। ये गाड़ी की डायमेंशन आपकी स्क्रीन पर देख लेना, कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। क्लैडिंग्स वगैरह आती हैं इस गाड़ी को। टायर सेक्शन की बात करें तो कॉन्टिनेंटल के टायर मिलते हैं, और उसके टायर सेक्शन की बात करें तो 235/55 R18 के कुछ ऐसे मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ अलॉयज, मतलब आगे पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, और पीछे Volvo का लोगो मिलता है। ये रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं इसको, और भाई क्या नेक्स्ट लेवल लगे। टिंटेड विंडोज़ हैं, पूरी मून रूफ मिलती है, रूफ रेल्स आती हैं, ये बॉडी कलर्ड ORVM इंडिकेटर्स के साथ, 360 डिग्री कैमरा जैसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, बाकी काफ़ी ज़्यादा मस्त। और एक सेकंड अभी दिखाता हूँ, देखो पीछे से भी, ये देखो इसको किया हमने अनलॉक, और ये देखो ये कुछ इस तरीके से चल जाते हैं टेल लैम्प्स, मतलब ये है वो हैमर टाइप टेल लैम्प जिसको मतलब बहुत सारी कंपनियां कॉपी कर रही हैं, तो ये Volvo की चलाई हुई चीज़ है भाई, मतलब जैसे और जितनी भी कंपनियां कॉपी कर रही हैं ऐसे टेल लैम्प्स कहीं देख रहे हो ना आप, तो यहीं की देन है वो। ऊपर की साइड शार्प एंटेन आता है, स्पॉइलर मिलता है इसको काफ़ी ज़्यादा शानदार। पीछे अपने यहाँ पे स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट है, डिफॉगर है, वाइपर है, वॉशर नहीं आता इसमें। XC40 की बैजिंग Volvo लिखा हुआ मिलता है, काफ़ी खुला खुला, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल क्रिस्प लग रही है एकदम।
नीचे रिफ्लेक्टर्स देख सकते हो, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, और एक सेकेंड यहाँ पर टेल पाइप है और इधर की साइड भी टेल पाइप है। तो ये कोई डिज़ाइन एलिमेंट नहीं है, ये मतलब रियल है इसके अंदर। और यहाँ पे एक दो तीन और चार, चार पार्किंग सेंसर्स को फ्रंट में मिलते हैं और चार ही बैक में मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। और इधर की साइड से डलेगा गाड़ी में पेट्रोल यहाँ से, जिसे आप सिंपल ऐसे खोल सकते हो। और एक सेकेंड अब इसका बोनेट खोल लेते हैं और अभी बात करते हैं कि इंजन कंपार्टमेंट कैसा मिलता है इस गाड़ी का। सो अभी गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देखने के लिए मिलते हैं, मतलब सिंपल आपको जस्ट इसको खोलना है अपने आप ही खुल जाएगा, मतलब कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। और काफ़ी बड़ा बोनेट मिलता है भाई। और यहाँ पर मिलता है 1969 सीसी का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 187 bhp निकालता है, 300 nm का टॉर्क निकालता है और 54 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और बाकी भाई जो इस बंदा मतलब जो बंदा इस गाड़ी को लेगा, पहली बात तो माइलेज देखेगा नहीं, दूसरी बात फिर भी अपने चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका चलाने का पैटर्न क्या है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, और अभी सिक्स सेकंड से बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो ये थी आपके सामने वॉल्वो XC40। कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट्स में, और इस गाड़ी को लेकर आपकी क्या राय है वो बताना कमेंट्स में। और भाई मुझसे कोई गलती हुई हो इस वीडियो में तो प्लीज़ उसको इग्नोर ही करना, क्योंकि सीख ही रहा हूँ मैं अभी धीरे धीरे। अभी ऐसे लग्जरी ब्रांड के साथ कभी डील किया नहीं, छोटी मोटी चीज़ें रह भी गई होंगी तो उनके लिए सॉरी। वीडियो कैसे लगे बताना कमेंट्स में, अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और भाई पहुँचाओ उस लेवल तक ताकि ऐसी गाड़ियाँ हमें मतलब मिलें मीडिया ट्रायल में और आपके लिए मतलब जल्दी से जल्दी वीडियोज़ लेके आएँ। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।